फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रोटीन सही तरह से नहीं लेती हैं और सही सोर्स से नहीं लेती हैं तो ये एक कारण हो सकता है आपका ओव्यूलेशन ना होने का, अंडा ना रिलीज होने का, प्रेगनेंसी ना रुकने का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लंबे समय से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ऐसा लग रहा है कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। ऐसा तो कारण नहीं है कि ओव्यूलेशन ना होने की वजह से ये प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो रहा है? हमारी तो रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? हो सकता है कि जो आपका प्रोटीन इनटेक है वो प्रॉपर ना हो। अगर आप सही तरह से और सही सोर्स का प्रोटीन नहीं लेती हैं तो बहुत सारी महिलाओं में ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी हो जाती है, जो एक आम बात है होना। बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो महिलाएं जिनका प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन हमें दो तरह से मिलता है, या तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो सकता है, मतलब वो प्रोटीन जो हमें प्लांट से मिले, जो पेड़ पौधों से आता है, या वो प्रोटीन जो हमें एनिमल प्रोडक्ट से आता है। तो ऐसे दोनों ही प्रोटीन्स में बहुत सारी स्टडीज़ हुई और ये देखा गया कि जो महिलाएं एनिमल बेस्ड प्रोटीन का कंजप्शन ज़्यादा करती हैं, जिनकी डाइट में जो उनका मेन प्रोटीन का सोर्स है वो एनिमल सोर्स है, एनिमल वाला प्रोटीन आ रहा है, उन महिलाओं में ओव्यूलेशन ठीक तरह से नहीं होता या ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। कंपैरिजन में जिन महिलाओं को जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो रिक्वायरमेंट मोस्टली या टोटली किससे पूरी हो रही है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन से पूरी हो रही है, तो उन महिलाओं का ओव्यूलेशन अच्छी तरह से होता है। और प्रेगनेंसी रुकने के लिए हम जानते हैं कि एग का सही तरह से रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन हो गया कि स्टडीज में क्या देखा गया है। अब मेन क्या रीजन है कि जो एनिमल प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन मतलब जो आप नॉन वेज खाते हैं उसके थ्रू आपको जो प्रोटीन मिलता है मेनली वो प्रोटीन, या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स के थ्रू जैसे कि मिल्क वगैरह हुआ, वो वाला प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स से जो आपको प्रोटीन मिलता है वो प्रोटीन, और मेनली इसमें कौन सा प्रोटीन आता है? जो आपका नॉन वेज के थ्रू आता है। अगर देखा जाए कि आजकल बहुत सारे हॉर्मोन्स के इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस, या और ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है फूड और फूड आइटम्स में डाली जाती हैं, मतलब जो एनिमल्स हैं एनिमल्स में डाल दी जाती हैं, उतनी एनिमल्स को जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये देखा गया है कि इससे जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी, वो उसमें प्रॉब्लम आती है, बॉडी जो है इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ठीक तरह से नहीं होता। हार्मोनल इम्बैलेंस का मेन कारण है ये, बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है इसकी वजह से। अगर आपका जो प्रोटीन है कहाँ से आ रहा है? सारा मोस्टली या सारा मैक्सिमम प्रोटीन का इंटेक जो आप कर रहे हैं वो एनिमल सोर्स से आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें प्लांट बेस्ड प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, अब हमने ये जान लिया कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो बहुत अच्छा है आपकी फर्टिलिटी के लिए, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे लोग होते हैं, चूजी होते हैं, बोलते हैं मुझे दाल नहीं खानी, मुझे राजमा नहीं खाना, या छोले नहीं खाने, मुझे स्प्राउट्स नहीं खाने। ये सारे गुड सोर्स हैं, बहुत ही बढ़िया सोर्स हैं। किस चीज़ के? ये सोर्स हैं आपके प्रोटीन के। आपको ये प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये वाला प्रोटीन है ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, मतलब ये पेड़ पौधों से आ रहा है। ये जो प्रोटीन है ये जनरली नेचुरल फॉर्म में आ रहा है, नेचुरल प्रोटीन है, प्रोसेस्ड कम है, तो इसलिए माना जाता है कि ये प्रोटीन ओव्यूलेशन को एनहांस करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को नहीं होने देता, बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं होने देता, बॉडी की जो इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी है उसको ठीक रखता है, अफेक्ट नहीं करता, और ऐसी महिला, ऐसे पुरुषों में जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मेलों के लिए भी एप्लीकेबल है, जो मेल्स हैं मेल्स भी इस तरह का प्रोटीन लें, लेकिन मैक्सिमम जो स्टडीज़ हैं वो फीमेल्स की फर्टिलिटी अगर देखी जाए उस पर हुई है, और ये माना गया है कि अगर जो फीमेल्स हैं वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेती हैं तो उनकी फर्टिलिटी कंपैरेटिवली एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेने वाली महिलाओं से बेटर मानी जाती है और पाई गई है।
अब मैं आपको एक और रूल बताना चाहूंगी कि आप कितना प्रोटीन लें, ये भी तो एक डाउट होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कितना लेना है। तो अंदाजन अगर माने, बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है और उन सब चीज़ों पे, पर अगर ऑन एन एवरेज एकदम नॉर्मल माना जाए तो आप ये मान लीजिए जितना भी आपका बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए। अगर आप 50 किलो के हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू 50 kgs, इट मीन्स आपको 50 grams ऑफ प्रोटीन लेना है। 1 gram पर केजी के हिसाब से लेना होता है, पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। तो आपको 50 grams प्रोटीन लेना है पूरे दिन में। इसको जितने भी आप मील्स ले रहे हैं सभी मील्स में आप डिवाइड कर लीजिए कि इतना मिनिमम प्रोटीन आपको ज़रूर इतना अपनी डाइट में लेना है। और भी बहुत फैक्टर हैं कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, तो प्रोटीन बढ़ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत जिम करते हैं नॉ, बट ऑन एन एवरेज जो जैसे फीमेल्स हैं जो अपना घर का डेली वर्क करती हैं, या फिर ऑफिस में जाके आपकी ऐसी जॉब है कि आपको एक जगह बैठ के ही काम करना होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आप ऑन एन एवरेज ये मानिए कि 1 kg ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही आप जो है 1 gram ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप ईजिली अपना प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं। तो अगर कोई 70 किलो का है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 70 grams आपको पर डे प्रोटीन का इंटेक आपको करना है। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।